ये जो हमने प्रोडक्ट है ये हमारा, इसको बोलते हैं डबल रोटरी रोटावेटर। आपने रोटावेटर तो बहुत देखे होंगे, सबका एक ही फंडा है पूरे में, पूरी लगा के कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मन, फिलीपींस, वेस्ट अफ्रीका, बहुत कंट्री में घुमा हूँ, लेकिन मैंने एक ही चीज़ देखी है कि रोटावेटर लोगों ने सिंगल शाफ्ट लगाया, इसके ऊपर 6 ब्लेड लगा दिए और रोटावेटर बन गया। लेकिन जब उसके काम की बात करें तो एक 7 फुट का रोटावेटर भी पूरे 50-55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर को हिला के रख देता है। और फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करें तो लगा लो, लगा के 5 से 7-8 लीटर तक उनका फ्यूल कंजम्पशन है। तो उसके बारे में हमने सोच के एक नया रोटावेटर बनाया जिसको बोलते हैं डबल रूटी रोटावेटर, जिसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके नीचे डबल रूट लगे हैं, डबल ब्लेड है। इन डबल ब्लेड की वजह से क्या हुआ, रोटावेटर के ऊपर लोड बहुत ख़त्म हो गया, लोड इतना कम हो गया कि अगर आप चाहें तो 7 फुट का रोटावेटर आप आइसर सिंगल सिलेंडर NC 242 यानी कि 24 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर भी चला सकते हैं। आज किसान चला भी रहे हैं। इसी कड़ी में अगर आप जाएँ 8 फुट का रोटावेटर हमारा 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर चला सकते हैं और 10 फीट का रोटावेटर आप हमारा 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चलाते हैं। फ्यूल कंजम्पशन और रोटावेटर के मुकाबले बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, अगर लोड नहीं है तो इसका मेंटेनेंस भी कम है, और मेंटेनेंस भी कम है तो फ्यूल कंजम्पशन भी कम है। इसका मैंने आपसे 2 साल पहले नेशनल प्रोग्राम अपना ये कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम होता है मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, जिसका मैंने इसका विज्ञान भवन में भी मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिसमें तकरीबन 900 आदमियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की टोटल कंपनीज पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और वहाँ मेरे इस प्रोडक्ट को बहुत सराहा गया है।